उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर बात की। उन्होंने कहा कि इस पद पर रहते हुए जब मुझे पता चला कि भारत के 5 सपूतों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया जा रहा है तो मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। देश और दुनिया उन्हें बहुत अच्छे से जानती है। चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन गांवों और किसानों के लिए समर्पित था। बीपी सर, वी हैव सीन रीसेंट अनाउंसमेंट्स ऑन द भारत रत्न टू वेरी वेरी डिस्टिंग्विश्ड पीपल लाइक मिस्टर अडवाणी, मिस्टर स्वामीनाथन, चरण सिंह जी एंड लॉट ऑफ अदर डिस्टिंग्विश्ड पीपल। हाउ डू यू लुक एट दीज अनाउंसमेंट्स एंड डू यू थिंक दैट दे वर निग्लेक्टेड और इग्नोर्ड अर्लियर? नवीन जी, इस पद पर रहते हुए जब मुझे इस बात की जानकारी मिली कि भारत के इन 5 सपूतों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो दिया जा सकता है भारत रत्न, वो दिया गया, तो मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इन 5ों को देश और दुनिया भली भांति जानती है, इनको पूरी तरह से परखा हुआ है। चौधरी चरण सिंह जी, उनका पूरा जीवन किसान और गांव को समर्पित था। वो ईमानदारी के प्रतीक रहे। मुझे व्यक्ति से बहुत उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, पर 1977 में जब वो राजस्थान आए थे तो मैं जयपुर से चलकर श्री गंगानगर गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप देखिए, आज किसी भी मापदंड पर जांच कीजिए, ईमानदारी के प्रतीक, किसान के पीछे समर्पित, किसान जातियों के वो सर्वमान्य नेता रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, चाहे देश के प्रधानमंत्री या गृहमंत्री रहे, उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके दिल में किसान अन्नदाता के प्रति जो लगाव था, और राजनीतिक क्षेत्र में स्पष्टवादिता के मामले में विचारों में पूरी तरह से एकाग्रता होना उनकी बहुत बड़ी पहचान थी। डटकर आपातकाल का काला खंड जो था, डटकर मुकाबला किया। अपने सिद्धांतों से वो कभी नहीं डगे। लोग उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, गरीब किसान के प्रति उनका समर्पण, ये उनकी पहचान है। चौधरी साहब के नजदीक कोई वो व्यक्ति नहीं आ सकता था जिसमें ये गुण नहीं हो। आप अंदाजा लगाइए, उस कालखंड में उनके जो शिष्य थे उन्होंने क्या महारत हासिल की। जब ऐसे व्यक्तित्व को आज के दिन सम्मानित किया जाता है तो मन में एक बड़ा भाव आता है कि अन्नदाता का सम्मान हुआ है। मेरी बात मानकर चलिए, आज देश में करोड़ों लोगों को बहुत अच्छी नींद आएगी। वो सोच रहे थे कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिला। कभी ऐसी कोई बड़ी मांग किसी ने नहीं उठाई, क्योंकि किसान के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए तो वो रत्न थे ही, पर जब आज सम्मान मिला है और भारत एक नई ऊंचाई की ओर छलांग लगा रहा है, आज का भारत दुनिया में प्रभावी है। आज के भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया के देशों में भारत की इज्जत सर्वोपरि है। ऐसे भारत में, ऐसे मौके पर, अमृत काल में, आजादी का अमृत उत्सव हमारे संविधान का भी इस वर्ष में है, ऐसे मामले में ऐसा निर्णय होना दिल को सुकून देता है, दिमाग को प्रभावित करता है
और एक नए उत्साह का संचार करता है कि मैं उस देश का निवासी हूं जहां यह कदम उठाया गया है। व्यक्तिगत मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहकर कृषक पुत्र होने के नाते जब मुझे यह जानकारी मिली तो बिना समय गुवाए मैंने इस जानकारी को राज्यसभा के सदस्य गण के साथ शेयर किया और सदन में जो इसका स्वागत हुआ और हर वर्ग से स्वागत हुआ उससे मैं विभूत हूं। मैंने कल्पना में नहीं सोचा था कि मैं इस पद पर पहुंचूंगा, पर यह बदलते हुए भारत की तस्वीर है। पर यह तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस पद पर रहकर मेरे को वो देखने को मिलेगा जो आज मैंने देखा। मैं आपको एक बात बताता हूं, चौधरी साहब के जीवन को आप अध्ययन कीजिए, उनके विचारों की जानकारी लीजिए। वो किसान की मजबूती देखना चाहते थे, वो चाहते थे कि किसान अर्थव्यवस्था में जबरदस्त योगदान करे। और मैंने कई जगह चौधरी साहब की रीति नीति को पढ़कर नजदीकी से अध्ययन कर कई जगह मैंने अपने भाषण में कहा है कि अन्नदाता को मजबूती तब आएगी जब अन्नदाता एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करता है और वहीं तक सीमित रह जाता है। उसकी मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वैल्यू एडिशन के अंदर होना चाहिए, उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में होना चाहिए, दूध और वेजिटेबल्स में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। चौधरी साहब का सोच बहुत बड़ा था और व्यक्तित्व देखिया कितना बड़ा था। देश को कभी वो देखने को नहीं मिलेगा जो चौधरी साहब ने देखा था और अन्य नेताओं ने देखा था। आपातकाल की मार, हर संस्था विफल हो गई, न्यायालय विफल हो गए, देश के 9 उच्च न्यायालयों ने आदमी के पक्ष में फैसला दिया, नागरिक के पक्ष में फैसला दिया। ये फैसला दिया कि मौलिक अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदल दिया, डटकर चौधरी साहब ने मुकाबला किया। चौधरी साहब सही मायने में गांव, गरीब, किसान के हिमायती थे। आज के दिन मैं उनको नमन करता हूं। आज के दिन सभी किसान भाइयों से, ग्रामीण भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि हमारे चौधरी साहब 140 करोड़ वाले देश में भारत रत्न है। हमारे रत्न थे, हमारे दिल में थे, हमारे दिल पर उनका राज था। कहीं निकल जाइए देश में, उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, गांव का और किसान का व्यक्ति चौधरी साहब को किस भाव से याद करता है। और महान व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनको प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आज संसद सदस्यों के चेहरे पर जब देखा मैंने, और खासकर जो ग्रामीण वर्ग से आते हैं, किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, ऐसी प्रसन्नता मैंने बहुत कम देखी है। बहुत बड़ा मौका है नवीन जी आज का। सर मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आप जयपुर से पैदल चलकर उनको मिलने? नहीं, पैदल नहीं, मैं जयपुर से चलकर चौधरी साहब का हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के अंदर आना था। उस समय जो आप आज कर रहे हैं ना, संचार, सोशल मीडिया, वो नहीं था। टेलीविजन भी ऐसा नहीं था। जब अखबार से जानकारी मिली तो मेरे मन में आया कि मुझे इस महानुभाव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मैं बालक था, मैं जब वहाँ गया तो भोजन कर रहे थे, वो जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। चौधरी साहब ने कभी किसी को गिरावट होते हुए मदद नहीं की। सब जानते थे कि चौधरी साहब के सामने ए दिगर कोई ऐसा आचरण हो गया जो सात्विक नहीं है, सर्वोत्तम नहीं है, तो चौधरी साहब खिंचाई करते थे।
और किसान को हमेशा एक ही बात कहते थे कि अर्थव्यवस्था में योगदान देने के अलावा किसान भारतीय राजनीति की भी रीढ़ की हड्डी है। और मुझे आज प्रसन्नता होती है कि आज किसान वर्ग में जाइए आप और थोड़ा अंदाजा लगाइए, किसान के बच्चे आज नौकरी में कितने आगे हैं, गांव के अंदर कितनी काया बदल गई है। एक तरीके से चौधरी साहब का सपना संचार हो रहा है, पूरी तरह से पृष्ठभूमि मेरे को दिख रही है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का इतना बड़ा आदर होना और इस कालखंड में होना जहां भारत अमृत काल में है, तो अमृत काल जो गौरव काल है उसमें ऐसे लोगों का मान बढ़ाना, गौरवान्वित करना हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। सर, लेकिन आपको लगता नहीं कि थोड़ी देर हुई इसको सम्मान को मिलने में? देखिए, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, चौधरी चरण सिंह जी को मिला है, स्वामीनाथन जी को मिला है, एलके अडवाणी जी को मिला है, नरसिम्हा राव जी को मिला है। पांचों के बारे में किसी को कोई शंका नहीं है, कोई संचय नहीं है, इनको मिलना ही चाहिए था, मौका था, देना चाहिए था। आज के दिन मैं ये कहूँगा नवीन जी, सरकार के इस कदम से जिसके लिए सरकार और प्रधानमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, भारत रत्न का सम्मान बढ़ा आज के दिन, भारत रत्न का भूषण बढ़ा आज के दिन। आप अंदाजा लगाइए, पद्मा अवार्ड जब पहले मिलते थे तो उनका क्या दृष्टिकोण था, आज के दिन जिसको पद्मा अवार्ड मिलता है, पद्मश्री भी मिलो जी, पहले कोई जाने या न जाने, मिलते ही सब एक स्वर में कहते हैं कि सही मिला, जरूर मिलना चाहिए था। आज के दिन कोई देश और दुनिया में नहीं मानेगा और उनके मन में एक ही खिंचाव रहेगा, थोड़ी पीड़ा रहेगी कि पहले क्यों नहीं मिला। सामाजिक न्याय का मामला देखेंगे तो कर्पूरी ठाकुर जी का नाम, कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, चौधरी चरण सिंह जी के पोते हमारी राज्यसभा के सदस्य हैं, जयंत चौधरी। चौधरी साहब से जो मिला स्फूर्ति आई। और एक बात और है, चौधरी साहब ने मौलिकता से नाता कभी नहीं छोड़ा, नैतिकता को सर्वोपरि रखा, और बेईमानी की बात तो उनके सामने करने की कोई सोच ही नहीं सकता था। जिंदगी भर वो सिफारिश के खिलाफ रहे, ऐसे उत्कृष्ट उच्च आदर्श समाज में स्थापित करने वाले, उनका सही पालन जीवन भर करने वाले व्यक्ति को जब इतनी देरी से सम्मान दिया गया है, थोड़ी पीड़ा होती है, पर वो पीड़ा दब गई, अब उस पीड़ा का असर नहीं रहा। आज चौधरी साहब को भारत रत्न मिल गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं करोड़ों किसान, करोड़ों ग्रामीण आज के दिन सुख की नींद सोएंगे। जितना उत्साह होगा वो उसकी कल्पना ही की जा सकती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे सर, क्या आपको लगता है जिस तरह के अब जो सिलेक्शन हो, जो इस तरह के जो लोगों को जैसा भारत रत्न मिल रहा है या दूसरे अवार्ड्स मिल रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक संदेश है और एक इससे इंस्पिरेशन मिलेगी एक बहुत बड़े तबके, जैसा कि किसान या जो काम करने वाले मेहनतकश लोग, सोशल जस्टिस की फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, आपको लगता है एक बड़ा मैसेज है इसके पीछे? नवीन जी, हमारी सांस्कृतिक विरासत 5000 साल की है, उस 5000 साल में कुछ नैतिक मूल्य स्थापित हुए हैं, मापदंड रखे गए हैं। आप पीछे के कालखंड में चले जाइए, सम्मानित कौन होते थे, जिनका गरिमापूर्ण आचरण समाज में रहता था,
जो पूरे समाज की भलाई चाहते थे, बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, आदर्श उनमें समाहित होते थे, होता रहा है। भारत रत्न की गरिमा निश्चित रूप से मानिए बहुत बढ़ गई है। जब इतने महान व्यक्तित्वों को इससे सम्मानित किया जा रहा है, तो हर आदमी, हर भारतीय के मन में एक बात आती है कि अब मापदंड बदल गए हैं। अब मापदंड में राष्ट्रवाद है, अब मापदंड में आदर्शवाद है, अब मापदंड के आकलन देश हित वाले हैं, किसान हित वाले हैं, गरीब हित वाले हैं। और अन्नदाता को तो कितनी खुशी मिली होगी। डॉक्टर स्वामीनाथन को देखिए, हमने बच्चे रहते हुए वो जमाना देखा है कि इस देश को बाहर से गेहूं आते थे, पीएल 48 480 कानों में घुसती थी। ही ब्रॉट अबाउट रिवोल्यूशन। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे, उनको स्कॉलर स्टेट्समैन कहा गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे, बुलाकर मुझे कहा कांग्रेस लीगल सेल का आप भाग बनिए। मेरी मुलाकातें हुई उनसे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो राय ली उन्होंने कई बार, ये मैंने सदन में भी कहा है। स्वामीनाथन जी से भी मेरा मिलना हुआ, मैंने गहराई से बात की। जब लोकसभा का सदस्य बना 1989 में, तो दो महानुभावों से मेरी बात इस विषय में हुई, मिस्टर कुरियन से और स्वामीनाथन जी से। स्वामीनाथन जी का दिल धड़कता था, वो किसान की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा सोच रखते थे। और उस सोच में आज के दिन मैं जमीनी हकीकत देख रहा हूँ। मैं खास तौर से किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आज के दिन जो युगांतर प्रगति हो रही है, उसमें किसान केंद्र बिंदु है।